हम जो किताबों में पढ़े हैं उन्हें असली में अनुभव कर पाए, वो भी अपने ही स्कूल में। इससे पढ़ाई में हमारी रुचि और बढ़ गई है और हमें नई नई चीज़ें सीखने का मन है, जैसे कि डायनासोर, आदि मानव पहले कैसे रहते थे, और साथ अजूबे भी देखने हमें इसमें। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। आपने क्या अनुभव किया जब सोलार सिस्टम की तरफ आप काम करना शुरू किया? तो हमने जैसे ही वीआर में देखा, हमें ऐसे लगा कि पूरा सोलर सिस्टम हमारे आंखों के सामने है। हमने सैटर्न के रिंग्स देखे और मंगल ग्रह पर तो हम उतर ही गए। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और जैसे ही हम पीछे तके तो सूर्य बिल्कुल हमारे सामने था। यह सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा था। इसके बाद हमने पैरामिड देखा। हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि पैरामिड कैसा दिखता है, हमने किताबों में ही पढ़ा था, पर जैसे हमने वीआर के थ्रू से देखा तो हमें पता चला वो कितना बड़ा है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि अब जितना आपने सीखा है, कभी जिन बच्चों ने इसे देखा नहीं है और आपको बताया जाए कि आज आपको 15 मिनट दे रहे हैं, आप बाकी बच्चों को आज पढ़ाओ, आप टीचर बन जाओ, जो आपने देखा है उसको आप उस ढंग से समझा सकती हो? हाँ सर। आपको विश्वास है कि बच्चे, बाकी जो स्टूडेंट हैं, तुम्हारे कलीग्स हैं, वे इस बात को समझ लेंगे भाई ये कि इसको तो इतना सारा आता है, इतना सारा सीख लिया है? हाँ ऐसा सर। आप उनको विश्वास दिला सकती हो? हाँ सर। और क्या इसका उपयोग हो सकता है? तुम्हें क्या विचार आता है ये सब देखने के बाद, करने के बाद तुम्हें क्या विचार आता है? हम जो किताबों में पढ़े हैं उन्हें असली में अनुभव कर पाए, वो भी अपने ही स्कूल में। इससे पढ़ाई में हमारी रुचि और बढ़ गई है और हमें नई नई चीज़ें सीखने का मन है, जैसे कि डायनासोर, आदि मानव पहले कैसे रहते थे, और साथ अजूबे भी देखने हमें इसमें। तो अब क्या करोगे, टेक्नोलॉजी में ही रुके रहोगे कि कभी खेलकूद भी करोगे? नहीं, आगे भी बढ़ेंगे। वरना क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी एक ऐसा नशा है, मैं इन लोगों के विरोध में नहीं बोल रहा हूं वरना खेलकूद छूट जाएगा, मम्मी पापा से बातचीत छूट जाएगी, दोस्तों से बातचीत छूट जाएगी। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा ना? नो सर। क्योंकि इसमें इतनी दुनिया, जैसे रील देखते हैं ना आप लोग, फिर उसमें से बाहर ही नहीं निकलते हैं और माँ को लगता है कि ये तो 5G पर पढ़ रही होगी। चलिए बेटे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर।